जब काम नहीं होता तो फिर शक्ल ऐसी होती है, ये देखो। अरे लौंडी है चूतिया, कानों में बाली डाले। मदीना शॉप सल्तनत प्लाजा से पहले ही है। बाहर आके दें क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, चांद रात मुबारक हो सबसे पहले तो सभी को। आज चांद रात हो गई, ठीक है। और आज देखो कौन आया हुआ है, सऊदी से आया हुआ। सलाम करो, अब करो सलाम। सब्सक्राइबर देख लो, मेरे सब्सक्राइबर बैठे हैं। तो गाइस, तो गाइस आज देखो कौन आया हुआ साथ में, ये देखो भाई शबाब अली सऊदी से आए हैं अभी। खाली यार गांड से मरवा के आ गए। तो गाइस अभी ना आज चांद रात है, तो आज आपको ना मैं बटल हाउस का माहौल दिखाने ले जा रहा हूँ। यार अंधेरा हो गया, लाइट में रोक थोड़ा सा रोक। तो गाइस आज ना मैं आपको चांद रात का माहौल दिखाने ले जा रहा हूँ बटल हाउस मार्केट में, धमा की दुकान पे, जहाँ धमा की दुकान है। और मैं सोच रहा हूँ कुछ शॉपिंग भी कर लूँ ईद की, ठीक है। चलो चल रहे ईद की शॉपिंग करने धमा की दुकान पर, फिर ही मैं कपड़े ले जाऊँगा, एक पैसा नहीं देने का साढ़े को, देखना तुम। गाइस फाइनली हम दामा भाई की दुकान पे पहुंच गए, लेकिन जो सोच के चला था ना वहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सोचा था चांद रात होगी और अच्छा खासा मतलब रश होगा, भीड़ होगी। ये देखो कोई कस्टमर नहीं है, खाली पड़ा है। तो इस हिसाब से आप काम की कंडीशन समझ सकते हो क्या है। तो मैंने सोचा चलो आज यार दामा के जब कुछ बिक नहीं रहा तो मैं यहाँ के खरीद लूँ थोड़ा सा सामान। वैसे दामा काफ़ी अच्छी चीज़ें लाया, दिखाता हूँ आपको। गाइस 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 ये देखो आप जमा का वॉच कलेक्शन। कब लाया जमा? आप समझ सकते हो कि ये देखो दुकान इतने पूरी भर दी है, खाली थी। आप समझ सकते हो कि दुकान भरने के बाद जब काम नहीं होता तो फिर शक्ल ऐसी होती है, ये देखो ना, इतनी सी शक्ल हो जाती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं गांठती शक्ल, ठीक है। और बताओ गाइस क्या देखना है तुम्हें? यार कुछ दिखाने लायक तो है नहीं यार, बाकी मैं तो कपड़े लेने आया हूँ, तुम्हें भी लेने तो बताओ, फ्री बैठ रहे हैं तो। ईद की मतलब ईद का चांद देखो, अरे यहाँ कपड़े लेने आया हूँ सीखते। हाँ इससे तो इंट्रोडक्शन करवा दूँ तुम्हारा, ये भी तो आया गांठ थी मेरे पा के सऊदी से। यार पता है कौन सा तीर उखाड़ के लिया, घंटा कुछ करके नहीं आया, 4 साल में आया सऊदी से। हालत देखी, 150 रुपए के मंगल बाजार में से जूते खरीदे इसने, ठीक है। अरे यो रेडी पे से शर्ट खरीदी 60-60 रुपए, और पैंट तो वहां से उठाई जो 3 नंबर में फ्री के कपड़े। राशिद कहाँ है? राशिद को फोन करता हूँ, राशिद अगर आता है तो। अभी राशिद को फोन करा, राशिद यही है अपने ठिए पे, तो उसके पास चल ले। चल भैया अरे ले लियो, ये तो बोली भी है बाली देव। अरे लौंडी है चूतिया, कानों में बाली डाले। कानों में बाली डाल डाले, बाइक न ले आई। और मुल्ला जी रमजान मुबारक हो, चांद रात मुबारक हो, आपको मुबारक हो, सब लोगों को मुबारक हो। भाई आपके खजूर खरीदनी है तुम्हें यहीं से, पूरे रमजान की खजूर तुम्हें यहीं से खरीदनी है। मदीना शॉप सल्तनत प्लाजा से पहले ही है बिल्कुल, ठीक है। और दुकान का बोर्ड देख लो, मदीना शॉप के नाम से, एक नंबर माल, हर तरह की खजूर सारी चीज मिलेगी। ये भाई बहुत अच्छे दोस्त है हमारे, ठीक है। इन्हें फॉलो, इन्होंने जो बात है बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो गाइस याद रखना दुकान बटलाव चौक पे सल्तनत प्लाजा के बराबर में, ठीक है। मुल्ला जी मिलते हैं। तो चलो गाइस हम चल रहे फिर राशिद के ठिए पे। तुम्हें आगे एक चीज, तुम्हें अबे इधर आ जा, तुझे रास्ता पता आ गया, तुझे अंक के भाग रहा। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं यहाँ वीडियो बनाता हुआ जा रहा हूँ, लोग मुझे चूतिया बता देंगे, मुझे पता है ना। ऐसा इलाका है नहीं है। आ गए हम राशिद के ठिए पे। भाई राशिद हैं क्या? क्या हाल है भाई राशिद? बढ़िया जी, बढ़िया जी भाई। क्या हाल है भाई कादिर? ये भाई राशिद का रेस्टोरेंट है,
बिजली का कनेक्शन सीधा पीछे से आता है, देखो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर ही लगवा रखा है इन्होंने एक बल्ब के लिए, एलईडी बल्ब के लिए सीधे ट्रांसफार्मर। देखो तारी देखो आप, पहले तो ये तारी खिला रहा है मुझे, ये तारी वाले हैं और हम तारी खा रहे हैं। अगर फ्री की तारी खानी है तो इसके पास आ जाओ राशिद के, रमजान में फ्री खिलाता है तारी बटराव चौक पे, फ्री खाओ पूरे रमजान सहरी तक फ्री। वो अबे यार सेवक है मतलब जो पूरी तरह की पटका होगा तरावी के बाद, बताओ यार मैं तो बोला नहीं आ रहा भाई, जो भी तरावी पढ़ के कंप्लीट पूरी खड़े हो गए इमाम साहब की पूरी 20 तरावी सुन जाएगा उसे भाई बिरयानी तारी में फ्री खिलाऊंगा भाई, इस तरह से तो वो नहीं पड़ता जो तारी खिला रहा। तो गाइस चलो मैं तो तारी खा लूं, तारी खा के मिलता हूं तुम्हारे से फिर। तो गाइस तारी वारी तो हमने खा ली है, फिर से मिलिए भाई रेहान वगैरह, भाई आयान वगैरह सब भाई जब को देखो तुम तेरे इतने चाहने वाले हो गए ब्लॉग में लगी कसम, इतने चाहने वाले जिसे देखो जमा जमा, एक तो यूँ कह रहा जमा भाई भी बैठे ब्लॉग में खाते पे दिखा देखो, खाते हुए इसकी शक्ल बनाते हुए ज्यादा देखो तुम इसे पैसा डाले। तो गाइस अभी आज बटलाउज में वैसे आए थे, हम सोच रहे थे चांद रात पे रश होगा, बट ये देखो कंडीशन है नहीं रश वाली। अभी पूरा बटला हाउस खाली पड़ा है, ठीक है देखो। तो गाइस फिर लेकिन अभी जो है आपको इसकी बटला हाउस की पूरी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा मैं, जो मतलब आज पहला दिन है ना चांद रात का, लोग तरावी में लग रहे हैं इसमें उसमें, मैं भी अभी तरावी पढ़ के फ्री हुआ था थोड़ी देर हुई है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको पूरे एक बार पूरा बटला हाउस दिखाऊंगा कैसा रश रहता हमारे बटला हाउस में, ठीक है गाइस। फिर आज का ब्लॉग इसी के साथ ख़त्म कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल भाइयों के साथ बैठे हैं बातचीत करेंगे, मिलना है। और गाइस जो पूछ रहे थे ना कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, ये देखो साइड में मेरी फ़ोटो आ रही होगी, हॉस्पिटल में एडमिट होके आया, किसी ने पूछा भी नहीं मुझे, ठीक है। यही है बस भाई लोग जो खड़े हैं जिन्होंने हाल चाल पूछ लिए, कमेंट करके पूछ तो लेते, इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। इंशाल्लाह कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, ठीक है गाइस। इसी के साथ मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय बाय गाइस।